हमको तो बहुत अच्छा लगता है सर छठ पर्व, इतना अच्छा लगता है, शौक लगता है, पहले ही से गाना ना बजता था लगता ककनी कर ले छठ। के पोखरिया जलवा उमर लंजा दूधवा उमर लंजा। सहला के बाद भी भगवान परीक्षा भी लेते हैं सर, मुँह सुखी भी देता है, प्यास भी लगता है सर, परीक्षा लेते हैं सर। महापर्व छठ की आज से नहाय खाय से शुरुआत हो गई है। तमाम छठवर्ती जो हैं आज गंगा स्नान करने के बाद जो कद्दू भात की महत्वता होती है उसको ग्रहण करके आज से महापर्व छठ की शुरुआत करेंगे। बता दें ये 4 दिनों का महाअनुष्ठान होता है, जिस दौरान जो है तमाम छठवर्ती जो हैं आज नहाय खाय के साथ कल खरना है, महाप्रसाद का निर्माण किया जाएगा, उसे छठवर्ती ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो है 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद ही कुछ ग्रहण करेंगे। देखिए छठ महापर्व जो है बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। तमाम जो बिहार वासी हैं इसका काफ़ी दिनों से इंतजार करते हैं कि इस दिन तमाम जो लोग हैं, तमाम जो घर के सदस्य हैं, वो दूर देश में अगर काम करते हैं तो वो अपने घर आते हैं और अपनी परिवार के साथ इस तमाम पर्व को मनाते हैं। देखिए अभी हम एक घर में मौजूद हैं जहाँ पर नहाय खाय की जो तमाम जो गतिविधियाँ होती हैं, कद्दू भात जिस तरीके से बनता है, बचका छाना जाता है, तमाम जो प्रक्रिया होती हैं उसको किया जाता है, और जो परवैतिन होती हैं इसका पहले ग्रहण करके उसके बाद जो है वो तमाम जो घर में इसको भी आज प्रसाद के रूप में सब लोग जो है वो ग्रहण करते हैं। घर के तमाम सदस्य जो हैं इस तमाम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तमाम चीज़ बनाए जाते हैं। हम बात करेंगे छठ आप कर रही हैं, हाँ सर, क्या महत्वता है इसकी? बहुत महत्व सर सर छठ में। हमको तो बहुत अच्छा लगता है सर छठ पर, इतना अच्छा लगता है, शौक लगता है, पहले ही से गाना ना बजता था लगता ककनी कर ले छठ। हाँ तुरंत, हाँ सर मिलते करता है सर परीक्षा ही, सहला के बाद भी भगवान परीक्षा भी लेते हैं सर, मुँह सुखी भी देता है, प्यास भी लगता है सर, तो रात में परीक्षा लेते हैं सर। हाँ बहुत सुविधा से यहाँ फीस के नियम से बनाना सुनाना सुबह सुट के मत करके कर रहे हैं सर। क्या कुछ मांग रही है मानता रहती है तभी लोग छठ मानता को जी सर, हम भगवान के दिए सब कुछ पूरा हो गया सर, खाली एक ला एक दमाद चाहिए हमको लक्ष्मी, बस और हमको कुछ नहीं चाहिए बस। के पोखरिया जलवा उमर लंजा दूधवा उमर लंजा, पेनु नयन जानु बाबू पियरिया भेलवा गखरा ना के बेर, भेलवा गोरा लगने के बेर। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे कद्दू जो भात बनता है, वो दाल है, चावल है, बैगन की कद्दू की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है और दाल है, तमाम जो छठवर्ती हैं इसका निर्माण करती हैं, गंगा से नहा के उसके बाद यहाँ पर आती हैं, और ये बताए कि ये एक मनोरम दृश्य होता है। इसमें दौरान जो तमाम जो घर के सदस्य होते हैं वो छठ की जो रौनक होती है, छठ के दौरान जो रौनक होती है उसको देखने बनता है, तमाम जो आस पड़ोस का आज पूरा पटना पूरा बिहार जो है वो सजधज के तैयार हो गया है। साथ ही साथ पटना के तमाम जो प्रशासन के पदाधिकारी अधिकारी या बिहार के मुख्यमंत्री जो रहते हैं, इस पर्व में कोई चूक ना हो, छठवर्ती को कोई दिक्कत ना हो, जिसकी पूरी तरह से जो है वो देख रेख करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ।